इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यूज की सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो के साथ डियर स्टूडेंट्स आप सबको दोबारा खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर होता है, स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअली कभी भी एक्ट नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेटा विच हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर, वो डेटा जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से ना गुजरा हो और अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हो, तो उस तरह के डाटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। आई एम सॉरी, उस तरह के डाटा को कहा जाता है प्राइमरी डाटा। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, माजरत, मैं डिस्क्रीट कह गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ पार्टिकुलर क्लास इज नोन एज, किसी खास क्लास में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही होती हैं उसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी मिसाल देता हूं, जैसे कि हमारे पास क्लास है 2 to 5। अब हमारे पास डाटा के अंदर जितने भी नंबर्स 2 से 5 के दरमियान लाइक कर रहे होंगे हम उनको गिनेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी में उस क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इसको लिख देंगे, उसको हम कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी है इस पार्टिकुलर क्लास की। अगला क्वेश्चन, इन अ पाई चार्ट एंगल ऑफ अ सेक्टर इज, टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं, तो कंपोनेंट पार्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल इज मल्टीप्लाइड बाय 360, ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से जो स्क्वेयर डेविएशन होते हैं वो ऑलवेज मिनिमम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन मीडियन एंड मॉड, मीन मीडियन और मॉड के दरमियान जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप होती है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल द वैल्यूज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड, जब तमाम वैल्यूज की इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं होती, इसमें किसी वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई होती है तो किसी वैल्यू को कम इंपॉर्टेंस दी हुई होती है, दूसरे अल्फाज में कुछ वैल्यूज को ज्यादा वेट्स दिया गए होते हैं और कुछ वैल्यूज को कम वेट्स दिए गए होते हैं, तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो इसको हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके लिए बेहतरीन जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो होगा कंपोजिट इंडेक्स नंबर, क्योंकि जब एक वेरिएबल के लिए इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करें तो उसको कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों तो उस सूरत में हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, लिहाजा यहां पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, किसी एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करती है और 0 और 1 इसमें बोथ इंक्लूसिव हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे उस सूरत में जब उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पैरामीटर, ऑप्शन डी, अ फेनोमेना विच इज नॉट मेजरेबल, वो फेनोमेना जिसको हम मेजर ना कर सकें उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। डाटा ऑब्टेन बाय इंटरनेट सोर्सेज आर, वो डाटा जो हम इंटरनेट सोर्सेज से हासिल करें उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज हिस्टोग्राम, पार्ट ए में जो ओजाइव लिखा हुआ है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है और पार्ट डी में जो हिस्टोरीग्राम लिखा हुआ है ये टाइम सीरीज का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मॉड आर ऑलवेज इक्वल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मॉड जो होते हैं वो हमेशा से इक्वल होते हैं। इफ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 200, ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, सॉरी, इफ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 20 देन देयर सम विल बी इक्वल टू 200, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ वाई इज इक्वल टू -75 -25x एंड एक्स बार इज इक्वल टू 3 एंड वाई बार इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें, ये प्रॉपर्टी है, अगर वाई इज इक्वल टू -75 -25x हो तो हम लिख सकते हैं वाई बार इज इक्वल टू -75 -25x बार, जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो ये -75 -25 × 3 हो जाएगा, -75 -75 तो इसका आंसर होगा -150, ऑप्शन बी।
फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज, फिशर इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो तमाम टेस्ट जो हैं उनको सेटिस्फाई करता है। इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड, बेस पीरियड का जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा से 100 होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन सी, व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, दो डाइस की अब हम रोल करें तो पॉसिबल आउटकम्स है 36, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन न्यूमेरिकल डाटा, स्टैटिस्टिक्स आर ऑप्शन ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इफ देयर इज नो गैप बिटवीन कंजेक्टिव क्लासेस, अगर क्लासेस के दरमियान गैप नहीं होंगे तो उनको हम कहेंगे क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ, हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम, ऑप्शन ए। इफ एक्स बार इज इक्वल टू 100 एंड वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 200, देन द मीन ऑफ वाई वैल्यूज विल बी, वाई बार इज इक्वल टू 2x बार माइनस 200, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y बार की वैल्यू आएगी 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल द आइटम्स इन अ वेरिएबल आर नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव, देन अगर तमाम आइटम्स जो हैं डाटा में वो ना जीरो हों और ना ही नेगेटिव हों, तो उस सूरत में हमारे पास जो अप्रोप्रिएट कंडीशन बनेगी वो बनेगी ऑप्शन ए। द मीन इज अफेक्टेड बाय, मीन जो है जब भी चेंज ऑफ ओरिजिन करें या जब भी चेंज ऑफ स्केल करें, इस दोनों सूरतों में मीन जो है वो अफेक्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। इफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू मोड्स देन इट इज कॉल्ड, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में दो मोड्स हों तो उसको हम बाई मॉडल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड आउट अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एज वेरिएशन, इसको हम वेरिएशन कहेंगे। द वेरियंस ऑफ 777 सारा डाटा में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी 7 है, वेरियंस का मतलब होता है वेरिएबिलिटी, जब डाटा में सारी वैल्यूज ही एक जैसी हैं तो इसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी, 0, ऑप्शन नंबर सी। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे लिए कौन सी वैल्यू जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स नंबर फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज, बेस पीरियड के लिए इंडेक्स नंबर हमेशा जो भी हम लेंगे वो होगा 100, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 कैलकुलेट होता है। अनदर नेम ऑफ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन बी। व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन देन द कोरिलेशन इज पॉजिटिव, दोनों वेरिएबल अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, एक में इजाफे से दूसरे में इजाफा हो, एक में कमी से दूसरे में कमी हो, तो ये पॉजिटिव होंगे। देयर आर डैश मैन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के चार कंपोनेंट हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन और साइक्लिक वेरिएशन। द सीक्वेंस विच फॉलोज इरेगुलर और रैंडम पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड नॉइज, और जो सीक्वेंस जो है वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसको हम सिग्नल्स कहते हैं। अगर ये सवाल इस तरह होता, द सीक्वेंस विच फॉलोज रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कार्ड, तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह इसी सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।